हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू वर्मा एग्री एग्जाम प्रेप में। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम फ्रूट्स क्रॉप को डिस्कस कर रहे थे। आज की सीरीज़ में हम एरिड फ्रूट्स यानी शुष्क जलवायु के फलों को डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ में हम आज पहले बात करेंगे बेर के कल्टिवेशन के बारे में। बेर जो कि व्यावसायिक स्तर पर लगाया जाता है ना, जिजीफस मोरिशियाना की यहाँ पर बात हो रही है, जिसे इंडियन जुजुब या फिर इंडियन बेर के नाम से भी जाना जाता है, जिसको देसी भाषा में अपन पेमली बेर भी बोल देते हैं। उस बेर की हम यहाँ पर बात करते हैं, जो बेर खेतों में आपने देखा होगा है ना, या जो आपने सड़कों के किनारों पर झाड़ी के रूप में जो आपने देखा होगा, वो बेर व्यावसायिक स्तर पर या कमर्शियल लेवल पर नहीं लगाया जाता है। हम बात कर रहे हैं जो बाजार में बड़े साइज के जो आपको बेर देखने को मिलते हैं, उसे जुजीफस मोरेशियाना बोला जाता है। उस बेर के कल्टिवेशन को लेकर हम बात करेंगे। एरिड क्लाइमेट का ये फ्रूट है, ड्रोट ये टॉलरेंट होता है, साथ ही साथ सलाइन एल्केलाइन सोइल के लिए भी हल्का फुल्का ये क्या देखने को मिलता है, आपको टॉलरेंट देखने को मिलता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी कम्पिटिटिव या एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, जिसके सिलेबस में बेर आपको मेंशनड है, तो ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेर कल्टीवेशन के बारे में। स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू द सब्सक्राइब, इससे हमें सपोर्ट मिलेगी। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट MCQs और PDF नोट्स मिलते रहते हैं। अगर आपका कोई क्वेरी या सवाल है तो मुझे इंस्टा पे DM या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं बेर कल्टीवेशन के बारे में। सबसे पहले इसका बोटेनिकल क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। बोटेनिकली इसे जिजीफस मोरिशियाना बोलते हैं। इंडिया के अंदर जो बेर कमर्शियल पर लगाया जाता है, ये जिजीफस मोरिशियाना है और इसको इंडियन बेर बोला जाता है। ठीक है, बात करें इसके फैमिली की, तो इसका फैमिली कौन सा होता है, ये जो बेर है ये रेमेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। बात करें क्रोमोजो नंबर, तो ये टेट्राप्लोइड स्पीसीज है ना, टेट्राप्लोइड होता है बेर। कुछ जो बेर है उसके अंदर ऑक्टाप्लोइडी भी आपको देखने को मिल जाती है, तो कई स्पीसीज आपकी ऑक्टाप्लोइड भी है। बाकी मेनली जो बेर है वो क्या देखने को मिलता है, आपको टेट्राप्लोइड ही देखने को मिलता है मोरिशियाना जो है। तो इसमें 4x = 48 क्रोमोजोम जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ओरिजिन को लेकर बात करें, इंडिया के अंदर इसका ओरिजिन माना जाता है। ठीक है, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस को लेकर बात करें, तो इन्फ्लोरेसेंस इसमें फेसिकल टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है ये बेर में प्रेजेंट होता है। टाइप ऑफ फ्रूट, तो टाइप ऑफ फ्रूट इसमें ड्रूप देखने को मिलता है। एडिबल पार्ट की बात करें, तो बेर के अंदर एडिबल पार्ट जो है ये पेरिकार्प खाया जाता है। बेर में पेरिकार्प जो है ये एडिबल होता है। अनदर नेम इसका इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। किंग ऑफ एरिड फ्रूट बोला जाता है इसे, यानी शुष्क जलवायु के अंतर्गत फलों का इसे राजा बोला जाता है। साथ ही साथ इसे पूर मैंस फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है, यानी गरीब आदमी के फल के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे, ये नाम इसका काफी इंपॉर्टेंट है अनदर नेम में अगर हम बात करें तो। अब इसके स्पीसीज को लेकर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले है जिजीफस न्यूमेलेरिया। इसकी जो लीव्स होती हैं ये काफी प्रोटीन रिच होती हैं, तो ऐसे में फोडर के लिए इसका जो यूज है किया जाता है। लोकल रीजन में इसके फोडर को क्या बोला जाता है, पाला जो है ये बोला जाता है, जो कि लाइव स्टॉक यानी कि पशुओं के लिए चारे के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है, न्यूमेलेरिया, तो ये आप याद रखेंगे। साथ ही साथ इसे एज ए रूट स्टॉक भी काम में लिया जाता है। न्यूमेलेरिया जो है इसे रूट स्टॉक के काम में भी लेते हैं। और ये बेर का कैसा रूट स्टॉक है, तो ये बेर का ड्वार्फ रूट स्टॉक है। क्लियर है, ये बेर का कैसा है, ड्वार्फ रूट स्टॉक होता है, ये न्यूमेलेरिया है स्पीसीज। ठीक है, नेक्स्ट है जिजीफस रोटुंडीफोलिया। इसको देसी या फिर चनी बेर के नाम से भी जाना जाता है। इसके फ्रूट का साइज आपको छोटा देखने को मिलता है ना, इसे देसी या फिर चनी बेर बोलते हैं। बेर के अंदर जो रूट स्टॉक कमर्शियल लेवल पर काम में लिया जाता है वो यहाँ पर कौन सा है, तो ये जिजीफस रोटुंडी फोलिया है। न्यूमेलेरिया को भी काम में लेते हैं, रोटुंडी फोलिया को भी काम में लिया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा कमर्शियल लेवल पर जिसको अडॉप्ट किया जाता है फॉर द रूट स्टॉक पर्पज, ये यहाँ पर रोटुंडी फोलिया है। ठीक है, इसके अलावा जिजीफस जुजुब स्पीसीज भी है, इसे चाइनीज बेर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये यहाँ पर चाइनीज बेर मेंशन किया गया है। इसके अलावा जिजीफस वल्गेरिस है। जिजीफस वल्गेरिस जो इसके जो फ्रूट होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज अच्छी है, इसके प्रॉपर्टीज आपको एंटी डायबिटिक जो है ये देखने को मिलती है। तो एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज वाली बेर की स्पीसीज जो है जिजीफस वल्गेरिस है। ठीक है, कुछ इंट्रोडक्टरी बातों के बारे में देख लेते हैं है ना। इसके जो ब्रांचेस होते हैं उस पर कांटे देखने को मिलते हैं, तो इसे एज ए फेंसिंग के तौर पर भी काम में लिया जाता है। जो बेर जो आपका बेरी के रूप में देखने को मिलता है, श्रब के रूप में देखने को मिलता है, उसका यूज जो है ज्यादातर ये फेंसिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, टिम्बर जो वुड होती है इसके पर्पज से भी इसकी लकड़ी का जो यूज है एज ए टिम्बर वुड किया जाता है ना, इसकी लकड़ी जो है मजबूत होती है।
तो इसका जो वुड का जो यूज है ये टिम्बर के तौर पर किया जाता है, टिम्बर वुड के तौर पर किया जाता है। साथ ही साथ जो लेक कल्चर का जो रियरिंग हम करते हैं ये भी यहाँ पर बेर के ऊपर किया जाता है। लेक कल्चर को फीडिंग किस प्लांट पर करवाना है तो उसके लिए बेर का यूज जो है किया जाता है, जैसे कि अकेरिया लेका है या अकेरिया स्टेनिडिका है, इन स्पीसीज का जो रेयरिंग है ये बेर पर किया जाता है लेक के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इसके अलावा टीएसएस को लेकर बात करें, टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स की बात करें, बेर में कितने होते हैं, 13 से 20 डिग्री ब्रिक्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ बेर एरिड क्लाइमेट का है तो जाहिर सी बात है ये आपका एरिड ड्रोट टॉलरेंट देखने को मिलता है, यानी कि सूखा के प्रति ये सहनशील होता है। क्लाइमेक्टेरिक है या नॉन क्लाइमेक्टेरिक है, तो बेर जो है आपका नॉन क्लाइमेक्टेरिक है, ठीक है। बेर को हम टेबल पर्पज यानी ताजा खाने के काम में भी लेते हैं, बेर को अगर ना पेट भर गया है दूसरों को देना नहीं है तो हम घर की छत पर डाल के इसको सुखा लेते हैं, तो ड्राई बेर जो है हम इसको काम में लेते हैं, तो ड्राई बेर को छुआरा भी बोल दिया जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। ये काफी इंपोर्टेंट बात है इसके अंदर, ये एग्जाम के अंदर, जनरल एग्जाम के अंदर और टिपिकल एग्जाम जैसे हॉर्टिकल्चर जेआरएफ के जो एग्जामिनेशन है ना, ये नेट के जो एग्जामिनेशन है उनके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि पोलन स्टरलिटी जो है ये कौन से फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, तो पोलन स्टरलिटी या जिसको प्राग परागबद्धता भी बोला जाता है, तो पोलन स्टरलिटी जो है ये बेर के अंदर आपको देखने को मिलती है, तो पोलन स्टरलिटी अच्छे से आप याद रखेंगे, पराग नपुंसकता भी इसे बोल दिया जाता है, ये पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है। क्लाइमेट को लेकर बात करें, एरिड और सेमी एरिड सबसे बढ़िया है, बाकी नॉर्थ इंडिया के अंदर भी इसे लगाया जाता है और साउथ इंडिया के अंदर इसका कल्टीवेशन जो है किया जाता है, उत्तरी भारत में भी लगाते हैं और दक्षिणी भारत के अंदर भी इसे लगाया जाता है। लीडिंग स्टेट की अगर हम बात करें इंडिया के अंदर बेर के प्रोडक्शन में, जो लीडिंग स्टेट है, अग्रणी जो राज्य है, ये यहाँ पर मध्य प्रदेश है, ठीक है। बेर जो है ये हाई टेम्परेचर को भी यहाँ पर अच्छा खासा टॉलरेंट कर सकता है, जैसे कि कितनी रेंज तक, तो 49 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर रेंज को बेर जो है आसानी से टॉलरेंट कर सकता है, लेकिन टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से अबाव नहीं होना चाहिए। किस टाइम, जब बेर जो है जिस टाइम फ्लावरिंग स्टेज में होता है या फिर जब फ्रूट सेटिंग स्टेज में होता है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के टाइम बेर के अंदर टेम्परेचर जो है एक्सीड नहीं करना चाहिए कितने से, 35 डिग्री सेल्सियस से, अदरवाइज फ्लावर ड्रॉप हो जाता है और फ्रूट सेट जो है अच्छे से नहीं देखने को मिलता है, तो ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर वेराइटीज को लेकर बात कर लेते हैं, बेर की वेराइटीज यहाँ पर पहले देख लेते हैं कौन कौन सी है इंपोर्टेंट, यहाँ पर देखते हैं उमरान, इसे कथा या अजमेरी के नाम से भी जाना जाता है, गोला है, सेब, केथली, गोमा कीर्ति या फिर इसे गणेश कीर्ति के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे गोला सेब है ना, ये उमरान वेरायटी याद रखेंगे। थार सेविका ये भी इंपोर्टेंट वेरायटी है, बनारसी कड़ाका, इसके अलावा महारवाली, मेहरून ये भी इंपोर्टेंट वेरायटी है, मुंडिया, नाजुक, सानोर 2 ये भी इंपोर्टेंट है, सानोर 5, ZG2, इसके अलावा छुहारा, संधूरा, नारनोल, इसके अलावा जोगिया है ना, नरमा है, भूबराज है, खाटो है, सनम 5, टिकड़ी, कट्टापोल, ये कुछ इंपोर्टेंट वेराइटीज़ हैं बेर की जो व्यावसायिक स्तर पर बहुत ज़्यादा लगाई जाती हैं, वो यहाँ पर शुरू की जो 4-5 वेराइटीज़ हमने देखी, उमरान, गोला, सेब, केतली, गोमा कीर्ति, थार सेविका, इनको बहुत ज़्यादा स्तर पर व्यावसायिक स्तर पर आपका लगाया जाता है, कल्टिवेट किया जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। अर्ली वेराइटीज में देखें कि अर्ली वेराइटीज कौन कौन सी हैं, तो अर्ली वेराइटीज गोला जो बेर की है यहाँ पर गोला है और थार सेविका है। मिड सीजन की बात करें, मिड वेराइटी कौन सी है, तो सेब जो है ये मिड सीजन वेराइटी है। लेट वेराइटी को लेकर बात करें तो उमरान जो है ये बेर की लेट वेराइटी है, और भी है वेराइटीज तो, लेकिन इन तीन वेराइटीज के बारे में आपको खासकर याद होना ही होना चाहिए, इंपोर्टेंट है, जैसे गोला अर्ली है, सेब मिड वेराइटी है और उमरान जो है ये लेट वेराइटी है, क्लियर है। चलिए अब वेराइटीज के कुछ इंपोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, जैसे कि जो बेर की वेराइटीज हैं जो हाईली एरिड क्लाइमेट या हाईली ड्राई एरियाज के अंदर आसानी से लगाई जा सकती है, वो यहाँ पर कौन कौन सी है, तो गोला, सेब और मुंडिया जो है आसानी से लगाई जा सकती है। और बात करें ह्यूमिड एरिया के लिए जो सुटेबल वेराइटी है, यानी कि आर्द्र क्षेत्रों के लिए जो उपयुक्त किस्म है, वो यहाँ पर कौन सी है, तो ये आपकी मेहरून वेराइटी है, ठीक है। आगे बात करें बेर की मुंडिया वेराइटी है, इसकी वेराइटी खास बात क्या है, इसके जो फ्रूट हैं ये बेल शेप होते हैं, बोले तो घंटी के आकार के फल जो है आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। कट्टापोल ये जो वेराइटी है, इसके फ्रूट जो है किस शेप में देखने को मिलते हैं, एप्पल शेप्ड होते हैं, बोले तो सेब के आकार के जो फल हैं ये आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसके अलावा देखो बेर के अंदर ना एक मुख्य कीट लगता है जिसका नाम है फ्रूट फ्लाई, कार्पोमिया वेसुवियाना इसका जूलॉजिकल नेम है, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है इसका, तो ये जो कीट है ये काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो इसके लिए रेसिस्टेंट वैरायटी का होना जरूरी है। ऐसे में कौन कौन सी है, दूधिया है, टिकड़ी है और
महरून है। ये जो वेराइटीज हैं ये बेर के अंदर फ्रूट फ्लाई के लिए क्या देखने को मिलती है, रसिस्टेंट देखने को मिलती है। सानोर टू, बेर के अंदर मेजर डिजीज पाउडरी मिल्ड्यू देखने को मिलता है, तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए जो रसिस्टेंट वेराइटी है ये यहाँ पर सानोर टू है। थार सेविका, ये भी इंपॉर्टेंट वेराइटी है, इसका क्रॉस बहुत बार पूछ लिया जाता है। सेब और कथा के बीच में क्रॉस के द्वारा जो डेवलप की गई जो वेराइटी है वो यहाँ पर थार सेविका है। क्लियर, तो ये बातें यहाँ पर याद रखेंगे। प्रोपोगेशन को लेकर बात करें, बेर के अंदर प्रवर्धन को लेकर बात करें, तो बेर का जो प्रवर्धन है वो यहाँ पर किसके द्वारा होता है, रिंग बडिंग के द्वारा या फिर टी बडिंग के द्वारा, इसको जो प्रोपोगेशन है ये आपको देखने को मिलता है। रिंग बडिंग पहले पे आप करेंगे, अगर मान लीजिए दोनों ही ऑप्शन में है तो रिंग बडिंग का ही करेंगे, रिंग बडिंग ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपके सामने ऑप्शन टी बडिंग भी मौजूद होगा, तो इसे आप कर सकते हैं। प्लांटिंग डिस्टेंस की बात करें, प्लांटिंग डिस्टेंस नॉर्मली 8 मीटर स्क्वायर रखा जाता है। अगर हम इसे हाई डेंसिटी प्लांटिंग पर प्लांट करते हैं तो ऐसे में, जैसे मान लीजिए जिजीफस न्यूमिलेरिया रूट्स को काम में लिया जा रहा है, तो ऐसे में जो प्लांटिंग डिस्टेंस रखा जाता है ये 5 मीटर स्क्वायर के आसपास जो है प्लांट स्पेसिंग रखा जाता है। क्लियर, प्लांटिंग टाइम जुलाई से लेकर सितंबर के दौरान इसका जो प्लांटिंग है ये कर दिया जाता है। प्रूनिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूनिंग टाइम काफी इंपॉर्टेंट है, प्रूनिंग टाइम पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर। प्रूनिंग टाइम इसका मिड अप्रैल से लेकर मिड मई के दौरान इसका प्रूनिंग जो है किया जाता है। नॉर्थ इंडिया में बात हो रही है, साउथ इंडिया में प्रूनिंग को लेकर बात करें तो फरवरी मार्च के अंदर इसका जो प्रूनिंग है ये किया जाता है। ये नॉर्थ इंडिया वाला जो प्रूनिंग का टाइम है ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ये समर डेसिड्यूस प्लांट होता है, समर डेसिड्यूस प्लांट बोले तो जब गर्मी आ जाती है तो इसके अंदर जो डोरमेंसी ही आ जाती है, तो गर्मियों के अंदर इसके पत्ते झड़ जाते हैं, उसको समर डेसिड्यूस प्लांट बोला जाता है। जैसे कि और कौन सा समर डेसिड्यूस, तो आंवला जो है ये भी समर डेसिड्यूस प्लांट होता है ना, बेर जो है ये भी समर डेसिड्यूस प्लांट होता है, फिग बोले तो अंजीर जो है ये भी आपका समर डेसिड्यूस प्लांट होता है। क्लियर, फ्रूट मेच्योरिटी को लेकर बात करें तो फ्रूट कितने टाइम में हार्वेस्ट किया जा सकते हैं, लगभग फ्लावरिंग के 150 से लेकर 175 दिनों के अंदर हम फ्रूट को हार्वेस्ट कर सकते हैं। टाइम को लेकर बात करें तो नवंबर से मार्च मंथ के दौरान इसका जो हार्वेस्टिंग है ये किया जाता है। क्लियर, यील्ड की बात करें तो पर प्लांट हमें कितने किलोग्राम फ्रूट जो है ऑब्टेन हो जाते हैं, तो पर प्लांट हमें 80 से लेकर 200 किलोग्राम जो फ्रूट है ये पर प्लांट हमें ऑब्टेन हो जाते हैं, तो ये बात यील्ड के अंदर याद रखेंगे। इंसेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंसेक्ट में इसमें फ्रूट फ्लाई देखने को मिलता है, इसका जूलॉजिकल नेम कार्पोमिया वेसुवियाना है। इस इंसेक्ट की वजह से 80% तक लॉस जो है ये भी देखने को मिल जाता है, तो ये बात आप अच्छे से याद रखने वाले हैं। नॉर्थ इंडिया के अंदर जो मेजर आपका इंसेक्ट है, उत्तरी भारत के अंदर बेर का जो मुख्य कीट है ये आपका फ्रूट फ्लाई है, कार्पोमिया वेसुवियाना इसका जूलॉजिकल नेम, अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा इसमें बार्किटिंग कैटरपिलर भी देखने को मिलता है, एंडरबेला कोआर्डिनोटाटा इसका जूलॉजिकल नेम है, हेरी कैटरपिलर भी देखने को मिलता है, इसके जूलॉजिकल नेम जो है यूप्रोटिसिस फ्रटरना जो है इसका जूलॉजिकल नेम है। इसके अलावा इसके अंदर फ्रूट बोरर भी देखने को मिलता है, याद रखिएगा फ्रूट बोरर या फिर इसको फल छेदक बोल दिया जाता है, ये कीट भी इसके अंदर नुकसान पहुंचाता है। इसके जूलॉजिकल नेम की बात करें तो इसका जूलॉजिकल नेम होता है मेरी डार्किस स्काइरोडस, क्या होता है मेरी डार्किस स्काइरोडस जो है इसका जूलॉजिकल नेम होता है। ये कीट जो है ये आपका साउथ इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, बोले तो दक्षिण भारत के अंदर ये कीट नुकसान पहुंचाता है, उत्तरी भारत के अंदर फ्रूट फ्लाई जो नुकसान पहुंचाता है। ऑल ओवर अगर आपसे पूछ ले मेजर इंसेक्ट कौन सा है बेर का, तो बेर का जो मेजर इंसेक्ट है ये आपका फ्रूट फ्लाई है, कार्पोमिया वेसुवियाना इसका जूलॉजिकल नेम, मोस्ट इंपोर्टेंट करके आप इसे याद रखिएगा। डिजीज में पाउडरी मिल्ड्यू मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज है, इसका सबसे खतरनाक रोग है, फंगस की वजह से होता है, ओडियम जुजुब वैरायटी इंडिका जो फंगस है इसके कारण ये देखने को मिलता है। अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट भी देखने को मिलता है, अल्टरनेरिया फंगस की वजह से होता है, एनोमोफ जो फंगस है इसकी वजह से देखने को मिलता है। इसमें ब्लैक लीफ स्पॉट भी देखने को मिलता है, ये किसकी वजह से होता है, एसारियासिस इंडिका वैरायटी जीजीफी जो फंगस है इसकी वजह से ये देखने को मिलता है। बाकी आप पाउडरी मिल्ड्यू जो है इसे ही आप अच्छे से याद करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हमने बेर की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट कल्टीवेशन है, इसको डिस्कस कर लिया है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया है। अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ऐसे ही शानदार लेक्चर्स इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, आज के लिए इतना डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।